एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने फॉरेस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स का कलेक्शन, साथ ही साथ ये वर्थ बाइंग है कि नहीं इनको मैं रेट भी करूँगी फ्रॉम 0 to 10। सो बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अपने पैसों से परचेस नहीं करे हैं, ये मैंने MHS के कोलैबोरेशन में लिए थे। सो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट फॉरेस्ट एसेंशियल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर एक्चुअली एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मुझे कल को ये अपने पैसों से परचेस करना पड़ेगा, रीपर्चेस करना पड़ेगा, तो क्या मैं इनको रीपर्चेस करूँगी, क्या ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है कि नहीं है, वो मैं आज इस वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो दैट काफी लोगों को हेल्प भी हो जाएगी कि प्रोडक्ट वर्थ इट है कि नहीं है, और एक रिव्यू भी मिल जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो आपको बहुत सूट होते हो बट मुझे सूट नहीं हुए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स मुझे सूट हुए हों वो आपको सूट ना होते हो। मेरा जो स्किन टाइप है दैट इज ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन है, मेरी स्कैल्प जो है वो ऑयली है। मैं आपको बता देती हूँ कि वॉट इज एक्चुअली MHS क्या है। MHS तो मैं काफी सारे वीडियो में बता चुकी हूँ तो काफी लोगों को पता चल गया होगा। सो MHS इज नथिंग, इट इज अ माई हॉल स्टोर का ही शॉर्ट फॉर्म है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, जैसे कि इसका नाम है माई हॉल स्टोर। तो जितने भी मैं हॉल वीडियोस करती हूँ Amazon के, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, आपको अलग अलग लिंक्स में जा करके क्लिक करने की बजाय आपको क्लियरली एक लिंक को क्लिक करना होगा, उसमें सारे प्रोडक्ट्स आपको विद पिक्चर्स एंड प्राइजेस दिख जाएंगे। सो यस, अब हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का नेचुरल डिओड्रेंट लैवेंडर एंड नीम। ये इस तरीके का आता है। मैंने फिट्टी ओवर की वीडियो में देखा था दैट ही वाज रेकमेंडेड परफ्यूम्स में, नेचुरल डिओ में उन्होंने इसको रेकमेंड किया था, एंड जिस दिन उन्होंने रेकमेंड किया था मैंने लिटरली उसको उसी दिन ऑर्डर कर दिया था। मैंने इसको एक बार यूज किया, दो बार यूज किया, तीन बार यूज किया, चार बार यूज किया, 5, 6, 7, 8 हर तरह से यूज करके देखा। पहले मैं इसको अपने ऑब्वियसली हम लोगों की क्या आदत है, मैं डिओड्रेंट और परफ्यूम्स कैसे लगाती हूँ, अपने कपड़ों पर लगाती हूँ, मैं अपने स्किन पर नहीं लगाती हूँ, और ये लगाना भी नहीं चाहिए। कैंसरस सब्सटेंस होते हैं डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम में, ये बहुत ज्यादा हजार्डियस हो सकता है। इसको मैंने पहले अपने फर्स्ट डे कपड़ों पे लगाया तो मतलब बिल्कुल निल हो गया, कोई परफ्यूम वाला कुछ सब्सटेंस ही नहीं है। फिर मैंने इसको अपने स्किन पे भी लगा करके, मतलब शावर लेने के बाद आकर के मैंने अपने अंडर आर्म्स में इसको लगा दिया, थोड़ा सा ड्राई होने देना रहता है आपको, एंड देन फिर यू जस्ट गो फॉर योर वर्क एंड जो भी आपको पहनना है वो पहन लो। और लेकिन विद इन 2 hours एंड 3 hours के बाद जब आपकी ऑर्डर बैड होना स्टार्ट होती है, अगर आप समर में काम कर रहे हो या आप ह्यूमिड वेदर में काम कर रहे हो, बैड ऑर्डर आती है उसमें लैवेंडर वाली जो फ्रेग्रेंस है वो मिक्स होकर के इतनी भयानक वाली ऑर्डर आने लगती है कि मतलब वो ना अच्छी बचती है ना वो गंदी बचती है। एंड इवन इसमें ये भी डायरेक्शन में मैंशन है, रीअप्लाई थ्रू आउट द डे एज रिक्वायर्ड। लेकिन जब आपकी बॉडी में स्वेट आ रहा हो और आप इसको फिर से रीअप्लाई करोगे तो वो फ्रेश होने की बजाय ना एक बहुत ही गंदा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आपकी बैड ऑर्डर एंड लैवेंडर वाली फ्रेग्रेंस मिक्स हो जाती है। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट फेल रहा है। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फॉरेस्ट एसेंशियल का लग्जूरियस आयुर्वेदा सिल्क एंड डस्टिंग पाउडर। ये इंडियन रोज वर्जन में है। मुझे ऐसा कुछ पाउडर चाहिए था क्योंकि मैं ऑयली स्किन वाली पर्सन हूँ, तो मैं अपने फेस पे भी थोड़ा सा लगाती हूँ एंड साथ ही साथ मैं अंडर आर्म्स एंड बॉडी पे भी लगाना पसंद करती हूँ। सो आई रियली लाइक इट। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। डेफिनेटली ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सी, जिन प्रोडक्ट्स में केमिकल्स रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग होते ही होते हैं, लेकिन अगर उसमें केमिकल्स नहीं रहेंगे या कम रहेगा तो ऑब्वियसली उनकी जो लास्टिंग पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है कंपेरेटिवली जो हमारे केमिकल्स वाले टैल्कम्स होते हैं जो 24 घंटे 12 घंटे तक महकते हैं, तो ये वैसा तो नहीं है। बट हाँ, 5 to 6 hours तक ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो मैं इसको अगर मुझे नेक्स्ट परचेस करना होगा अपने पैसे से, मैं डेफिनेटली रेकमेंड भी करूंगी और मैं परचेस भी करूंगी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड ये हनी एंड वनीला फ्रेग्रेंस मैन, ओ माय गॉड, इसको तो लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है आप बस इसी को लगाते जाओ, इसी की फ्रेग्रेंस लेते जाओ। जब आप फ्रेश बिल्कुल शार लेकर के आते हो एंड वेन यू अप्लाई इट ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी लिटरली महकती है बहुत अच्छी। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस शैम्पू, हेयर क्लेंजर है, दिस इज नॉट शैम्पू। तो ये है फॉरेस्ट एसेंशियल का लग्जूरियस आयुर्वेदा हेयर क्लेंजर। This is Bhringraj and Shikakai 200 ml। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने छोटे छोटे 2-3 bottles ट्राई करे थे जिसमें से मुझे ये वर्जन ज्यादा पसंद आया तो मैंने ये मंगवाया। उसमें नीचे कुछ लोगों के कमेंट्स थे ऑयलिंग लगाने के बाद ये आपके बालों को अच्छे से वॉश नहीं करता है, तो तब तक मैं ऑयलिंग बहुत कम करती हूँ, मतलब मैं 3 months में एक बार ऑयलिंग करती हूँ, मैं ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। मेरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आई डोंट नो मैं क्यों ऑयलिंग नहीं करती हूँ, करना चाहिए वैसे ऑयलिंग पर मैं नहीं करती हूँ। तो हाँ, मैंने एक दिन ऑयल लगा करके ट्राई करके देखा वो कॉमेंट पढ़ने के बाद कि लेट्स सी मैं करके देखती हूँ ऑयल लगाती हूँ। तो येस, मुझे जब मैंने ऑयल लगाया था तो मुझे कम से कम 3 times इसको लेकर के वॉश करना पड़ा, तब जा करके मेरे बालों से ऑयल निकला था।
वो जो ऑयल लगाया था वो मैंने नॉन ग्रीसी ऑयल लगाया था। अगर मैं ग्रीसी ऑयल लगाती तो शायद ये मेरे बालों से ढंग से वॉश नहीं होता एंड प्रोडक्ट भी थोड़ा ज़्यादा लगा था। वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट उसको मैं ऐसे ड्रॉबैक नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। तो मुझे ये बहुत एकदम लाइट और इससे वॉश करने के बाद बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत हेल्दी फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड मुझे अभी भी मैं ये इस बात पर स्टिक हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको यूज़ करने के बाद मेरे हेयर फॉल में थोड़ा डिफरेंस आया है एंड बिकॉज और हाँ शैम्पू थोड़ा ज़्यादा लगता है, फॉर्म नहीं करता है जैसे हमारे केमिकल्स वाले शैम्पू करते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा लगता है आपके बालों में ग्रीसीनेस निकालने के लिए। तो मेरे भी बाल शॉर्ट हैं तो इतना ज़्यादा देखिए अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही यूज़ किया है इसको। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस शैम्पू की मेरे को, लेकिन अगर आपके मेरे बाल इतने लंबे हैं जितने मेरे बाल पहले थे और घने भी हैं तो फिर आपको तो ये मतलब बॉटल बहुत फटाफट से ख़त्म हो जाएगी। तो बट आई विल रेकमेंड दिस प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट अ गुड हेल्दी लुकिंग, आपके बाल आपको ड्राई नहीं करने हैं, शाइन रहती है आपके बालों में। इवन कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कंडीशनर स्किप कर रही हूँ आजकल अपना, बट मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कंडीशनर की, ये इतने अच्छे तरीके से बालों को यू नो ट्रीट करता है आपके। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फॉरेस्ट एसेंशियल्स बॉडी मिस्ट इज नरगिस। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी दो तीन वीडियो में बातें कर चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली दिस 100% हाईली रेकमेंडेड प्रोडक्ट। अब तक की मैंने जितने भी फ्रेग्रेंस अब में से किसी को भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, आई वुड पिक दिस वन, दिस इज अमेजिंग। बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग वाली स्ट्रॉन्ग है, आप समझो स्ट्रॉन्ग वाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सूदिंग वाली स्ट्रॉन्ग है। सो आई रियली लव्ड इट। इफ यू आर समवन लुकिंग फॉर सम गुड फ्रेग्रेंस और आप भी मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं फ्रेग्रेंस लेने में, तो मैं इसको 100% रेकमेंड करूंगी, आप ट्राई जरूर करिएगा। या कभी आपको फॉरेस्ट एसेंशियल जाने का मौका मिलता है तो इसको आप एक बार टेस्ट जरूर करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है फॉरेस्ट एसेंशियल का सन फ्लूइड टेंडर कोकोनट वाटर विथ टर्मरिक एंड बेसिल लीव। दिस इज SPF 50 PA ट्रिपल प्लस प्रोटेक्शन है इसके अंदर। तो मैं जब से ये आया है तब से इसको कंटिन्यूसली डेली यूज़ कर रही हूँ, इसी सन प्रोटेक्शन को मैं यूज़ कर रही हूँ इवन सुबह एंड शाम। जब मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। मैंने इनफैक्ट आज भी इसको लगाया है एज माई बेस एंड लुक इट माई फेस, माई स्किन लिटरली शाइन कर रही है, मेरी स्किन बहुत अच्छी शाइन कर रही है। आप जब किसी भी अपने हार्श या हार्ड क्लेंजर से अपने फेस को वॉश करोगे ना, उसके बाद जब आप इसको लगाते हो तो हल्की सी ऐसी टिंगलिंग सेंसेशन होता है आपकी स्किन पे, हल्की सी होती है जो कि विद इन सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चली जाती है आपकी स्किन से। क्योंकि ये हर्बल सनस्क्रीन है तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेस इट इन फ्यूचर। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फेशियल टोनिक मिस्ट बाय फॉरेस्ट एसेंशियल एंड दिस इज अ प्योर रोज वाटर। एंड मुझे ये मतलब सो प्रोडक्ट लगता है बहुत। अगर जैसे काम मुझे अगर आप कामा आयुर्वेदा और इससे कंपेयर करेंगे तो आई विल अगेन से कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। जैसे जब मैं बेयर फेस पे उसको स्प्रे करती हूँ और इसको स्प्रे करती हूँ तो मुझे उसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ मैंने प्योर रोज अपने स्किन पे डाला है। एंड इसको लगाने के बाद उतना फीलिंग नहीं आता रोज वाला, मतलब पानी जैसा लगता है ये, थोड़ा बहुत ठीक है रोज का आता है बट उतना नहीं आता है। बट आई रियली लाइक कावा वाला मोर ओवर दिस वन। ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फॉरेस्ट एसेंशियल का फेशियल उपटन मुल्तानी मिट्टी। नाउ दिस इज अ प्योर मुल्तानी मिट्टी। ये जो इसका जो प्राइस है ना, यहाँ 975 रुपीज़ का। ऐसे आप नॉर्मली अगर आपके पास आपको कोई बजट का इशू नहीं है और फिर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो डेफिनेटली इसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। अकेले इसको लगाने से मेरे को मेरे स्किन पे ना कोई अलग से मेजर चेंजेस नहीं दिखे हैं एज सच अभी तक। डेफिनेटली कोई ड्रॉबैक नहीं है इस प्रोडक्ट का, द प्राइस इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बट हाँ नॉर्मल लाइफ में अगर मैं इसको परचेस करना चाहूँ तो मैं खादी का मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा प्रेफर करूँगी एज कम्पेयर टू दिस। उसमें मैं शायद दही मिला के लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1000 की मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने एक और उपटन मंगवाया था फेशियल उपटन, वो है नारंगी नाक केसर। अगर आप मुझसे पूछो ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है तो आई विल प्रेफर दिस वन। Why? Because if you have oily skin, आपके फेस को एक तो ये ग्लो प्रोवाइड करता है इंस्टेंट वाला। दूसरा अगर आपको एक्ने प्रोन आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन से एक्ने को कम करेगा, आपके स्किन में जो इरिटेशन होती है उसको ये बहुत यू नो सूदन आउट कर देता है। कोई रेडनेस हो गई है उसको ये सूदन आउट करता है, बहुत ठंडक पहुंचाता है आपकी स्किन को। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा वर्थ इट है फॉर माई काइंड ऑफ स्किन टाइप। इफ़ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप तो हाँ इसको मैं डेफिनेटली इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इसका प्राइस है 1075। वर्क भी बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब एक मंथ में मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये मेरे स्किन पर इंस्टेंट ग्लो
प्रोवाइड करता है, ब्राइटन अप कर देता है मेरी स्किन को, काफी फ्रेश एंड हेल्दी लगती है मेरी स्किन। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। एमएचएस की लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।